माय यार स्टूडेंट्स, क्योंकि ईद आने वाली है और मुझे भी पता है कि आप लोगों को नीड होगी ईद के ऊपर किस तरह से आप बिल्कुल ऐसा स्मूथ सॉफ्ट सा मेकअप करें कि सब आपको देखते ही रह जाएं और आप अपनी एज से कम कैसे नज़र आ सकते हैं। तो ये सब इस वीडियो में आप लोगों को आज सिखाने और बताने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सबसे पहले तो हमारे क्लाइंट का बिफोर लुक आप जो है वो देखें। टू फाउंडेशंस मैंने इनके कॉम्प्लेक्शन के मुताबिक चूज़ किए हैं। गबरिनी ब्रांड का 01 है, मैबलिन ब्रांड का बेज न्यूड कलर है। दोनों की मिक्सिंग मैं करूँगी क्योंकि मैं आज बहुत लाइट बेस नहीं कर रही हूँ, ईद का मेरा जो है वो मेकअप लुक जा रहा है। अच्छा, अगर जब हम अपनी फिगर की हेल्प से फेस के ऊपर फाउंडेशन को यूज़ करते हैं तो हमारी जो ब्लेंडिंग होती है उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है, हमने डॉट्स में सारे फेस के ऊपर फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया, लेकिन कुछ फेस के ऐसे हिस्से भी हैं कि जहां पर हमने अपनी फाउंडेशन को यूज नहीं किया। अब हमारी कोशिश होगी कि हम फाउंडेशन को खींच खींच के पूरे फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई करें, जिससे हमारा टाइम भी ज्यादा जो है वो वेस्ट होता है और फिर भी हमारा बेस पैची पैची रहता है, क्योंकि जिस जगह पर फाउंडेशन रखी है उस जगह पर रिजल्ट ज्यादा आएगा। जिस जगह फाउंडेशन लाइट है उसे खींच खींच के हमें नीचे लाना पड़ेगा और फिर इस तरह से कहीं लाइट और कहीं डार्क कलर की जो है वो हमारी फाउंडेशन का लुक आ रहा होता है। ठीक है, लाइट्स में अगर आप देखो तो ऐसा फील हो रहा है कि कहीं आपकी फाउंडेशन लगी है कहीं नहीं, जबकि जब ब्रश की मदद से प्रॉपर पूरी ब्लेंडिंग कर लेते हो अपने फेस के ऊपर लगाकर इसको फैला देते हो, तो फिर आपका रिजल्ट इतना क्विक आता है कि आपको खुद यकीन नहीं होता। अब यहाँ पर मैंने जो है फाउंडेशन को अच्छे से लगा लिया हुआ है। अब भी आप खुद तवज्जो से देखिएगा कि जस्ट दो दफ़ा मैंने टैप किया है और हमारे फेस के ऊपर ब्लेंडिंग होती चली जा रही है। कोई मेहनत नहीं करना पड़ रही है क्योंकि हमने ब्रश की जो एप्लीकेशन है वो इतनी परफेक्ट कर ली हुई है कि अब हम जस्ट दो दो बार टैप करेंगे और हमारी फाउंडेशन जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। मैं बिल्कुल ड्राई सा एक स्पंज लेकर हल्का हल्का इसके ऊपर टैप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा जो है इतनी फाउंडेशन नहीं चाहिए। ईद लुक के लिए मैं बिल्कुल फाउंडेशन को जो एक्स ऑयल वगैरह वो इसमें हमारा जो है वो सक कर लेगा हमारा स्पंज। अब मैं थोड़ा सा जो है वो क्राइलोन ब्रांड का जो है वो पाउडर है और इस पाउडर को यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि ये फिर हमारी फेस पर स्पैटिंग वगैरह आती है या हमारे बेस उतरना शुरू हो जाती है या हमारे फेस पे जो पैच वगैरह लाइंस वगैरह आना शुरू हो जाती है, उन सबसे बचने के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने फिक्सिंग पाउडर को इस तरह से जो है वो फेस के ऊपर अप्लाई कर दें ताकि हमारी फाउंडेशन जिस जगह है उसी जगह बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए। और आज हम कोई मतलब कंटूर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हमने पिंक कलर लिया है और साथ ही ओरी फ्लेम ब्रांड के जो है वो हाइलाइटर मतलब के ब्लशन है, शाइनी से ब्लशन है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ और जस्ट मैं जो है पिंकी सा सॉफ्ट सा एक लुक इन्हें दूंगी। आपको देखिएगा कि जैसे इनका स्किन नज़र आ रहा है जब हम पिंक कलर के साथ इनके फेस की प्रॉपर जो है वो मतलब ब्लशन वगैरह करेंगे, फेस के ऊपर शेडो पिंक कलर का देंगे, तो फेस इनका जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह बेबी स्किन इनकी लगना शुरू हो जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि हमें बिल्कुल बेबी स्किन चाहिए, तो आपने बेबी स्किन मेकअप के लिए सेम इस तरह से जो है वो अपने ब्रश को पकड़ना है और आपने इस तरह से जो है वो कोई ब्राउन कलर यूज़ नहीं करना, जस्ट पिंक कलर के साथ ही चिन को भी पिंक कर दें, अपने चीक्स को भी पिंक कर दें, नोज़ को भी दोनों साइडों से हल्का सा पिंक कर दें और फोरहेड पर भी हल्का सा पिंक कलर का शेडो आपने जो है वो दे लेना है। ठीक है, और अभी मैं थोड़ा आई मेकअप भी आपको बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ईजी सिखाने वाली हूँ। यहाँ पर सब पहले हम हाइलाइटर थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हाइलाइटर को जो है वो मैं चीक्स के ऊपर हल्का सा बिल्कुल ऐसे नेचुरल सा जो है वो मैं लगा रही हूँ जिससे हमारा फेस ज़्यादा जो है वो बेबी दिखे। ठीक है, जैसे जैसे बच्चों की स्किन ग्लो कर रही होती है वैसे का जो है हमने स्किनी कलर में जो है वो हाइलाइटर इन्हें यूज़ किया है और अब आप खुद देखो कि कितना डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। और हाइलाइटर को लगा लेने के बाद अगेन फिर से मैं हल्का सा ब्लशन का जो है वो टचअप करने वाली हूँ। ठीक है, नोज़ की दोनों साइडों पे क्योंकि हाइलाइटर थोड़ा सा इधर उधर फैल जाता है तो वो अच्छे से नीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से मैंने फिर से पिंक कलर उठाया है, वेलवेटी शेड है हमारे पास, ये क्रिस्टाइन ब्रांड की पैलेट है। आपके पास कोई भी पैलेट है, लोकल है या अच्छी है, उसमें से आपने पिंक सा शेड उठा लेना है। अगर आपके पास पिंक शेड नहीं है तो आप अपनी लिपस्टिक ही ले लें। ठीक है, पिंक कलर की लिपस्टिक तो हर एक के पास ही होती है, उसके साथ आपने फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का सा
आंखों के ऊपर एक शेडो देना है, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा लगता है, इस मेकअप को आप ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा कि आपका लुक इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा और आप इतने खूबसूरत लगेंगे कि हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने आखिर ऐसा किया गया कि आप अपनी एज से जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पिंक कलर का आई के ऊपर मेकअप दिया। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो मस्कारा अच्छे से अप्लाई करना है। मस्कारा क्योंकि हम लैशेस तो अभी अप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि हम ईद के लिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डेली रूटीन में भी आप इस मेकअप को कर सकती हैं। मैं अपने सैलून की बच्चियों को कह रही थी कि आप इस मेकअप को लाजमी सीखें, ताकि आप डेली रूटीन में इस तरह के मेकअप करके सैलून के ऊपर जब खड़े हों तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, ठीक है। इतना ये अच्छा लगता है और ईजी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ईजी है। हमने अच्छे से मस्कारा को जो है वो अप्लाई कर लिया। चाहे तो इनको लाइनर भी लगाएं। लाइनर में आपको दो तीन तरह के जो है वो लगाने बताऊंगी। सबसे पहले हम आई लैश कर्लर के साथ जो है वो अच्छे से कर्ल लैश कर लेते हैं, ठीक है। लाइनर में अगर आप चाहें तो ना लगाएं, अगर आप चाहें तो बिल्कुल लाइट सा लाइनर लगा लें, अगर चाहें तो विंग लाइनर। मैं दोनों तीनों लाइनर भी आज आपको दिखाने वाली हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह से ईद के ऊपर मुश्किल ना पेश आए, ठीक। और इस टाइम मैं जेल लाइनर को ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जेल लाइनर को यूज़ करना दूसरा जो हमारा लाइनर होता है उससे ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं जेल लाइनर ही को यूज़ कर रही हूँ। और अब मैंने आइज़ को करा लिया है जी क्लोज, और थोड़ा सा जेल लाइनर अपने ब्रश में ले लिया है। एंगल ब्रश है हमारे पास, सिर्फ क्लोर ब्रांड का है, ठीक है। और इसको जो है वो मैंने जस्ट इस तरह से जो है वो लैश लाइन के साथ साथ ही एक लाइन क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। इतना लाइनर भी काफ़ी है, लेकिन अगर आपको विंग बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है और आपने ईद पे लाजमी विंग बनाना है, तो फिर आप जो है कोई हार्ड गत्ता जैसे होता है ना, हार्ड शीट वगैरह उस तरह का कोई आप जो है वो ले लें। कार्ड लिया है मैंने, विजिटिंग कार्ड लिया है, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से जो है जहाँ अपनी विंग रखनी है वहाँ पर रख देना है, और इस तरह से जो है वो आपने इसके साथ एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी तरीका होता है। अगर आप टेप भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन टेप को लगाने के बाद फिर हमारा बेस थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप इस तरह से हार्ड शीट जो है वो आंखों के साथ साथ रखें, और इस तरह से जो है वो आप फिर बाद में थोड़ा सा इसको जब नीट करेंगी, ये देखें जी इस तरह से जो है हम हल्का सा इसका कॉर्नर जो है उसको नीट करेंगे, फिनिशिंग जो है वो उसकी हल्की सी देंगे। चाहें तो बाद में लिक्विड लाइनर के साथ फिर से इसके ऊपर एक अगेन जो है वो कोटिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन हमने नहीं थी की, ठीक है। ये देखें कितना खूबसूरत इनको विंग लाइनर जो है वो हम लोगों ने अप्लाई कर लिया हुआ है। तो ये बहुत इजी मेथड होती हैं जो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए जाते हैं, तो इनको लाजमी ट्राई किया करें। और यहाँ हमने आई के अंदर भी काजल ही को अप्लाई किया है, ठीक है। कुछ लोगों को काजल बहुत खूबसूरत लगता है उनकी आई में, ठीक है। तो हम लोगों ने ये काजल ही अप्लाई किया है। थोड़ा सा अच्छे तरीके से काजल को अप्लाई करने के बाद जो है हमने आईज़ के नीचे भी पिंक कलर ही के साथ, यानी कि आज हमने टोटल पिंक कलर के साथ मेकअप किया है। और बहुत ईजी टेक्निक्स हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो है वो आज मतलब लेकर आए हैं। आप डेली रूटीन में इसको मेकअप को करें, या ईद पर इस मेकअप को करेंगे, और जब आप करेंगे तो आपको खुद ही खुशी होगी कि नाज़िया खान ने आपको कुछ न्यू चीज़ जो है वो बताई है, ठीक है। तो अब लिप्स के ऊपर भी हम पिंक कलर ही को दे रहे हैं। अच्छा, ये देखें आप, पिंक कलर के साथ हमारा पूरे फेस के ऊपर जब कलर अप्लाई किए गए हैं तो हमारा लुक जो है जैसे मैच्योरिटी थी हम मतलब के मेकअप से पहले फेस पे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, और फेस बिल्कुल ऐसे लगने लगा है कि जैसे आपका बिल्कुल बेबी स्किन हो। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा आज का ये वीडियो देखकर, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। और अभी जाइएगा मत, क्योंकि हम ईद के लिए एक बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही फिर से मैं अगेन आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।